पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं लेकिन बारीकी से अध्ययन करने के बाद इन दोनों शब्दों में अंतर साफ़ हो जाता है मालूम हो कि किसी आरोपी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों के हिसाब से रखा जाता है पुलिस कस्टडी तथा जुडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध को कानून की हिरासत में रखा जाता है दोनों प्रकार की कस्टडी का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो वह अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए सी की धारा एक के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से 15 दिन तक के लिए हिरासत में रखने का समय मांग सकती है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को पंद्रह दिनों तक किसी भी तरह के हिरासत में भेज सकता है लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनके तहत पुलिस किसी आरोपी को तीस दिनों तक भी पुलिस कस्टडी में रख सकती है जैसे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत पुलिस कस्टडी को तीस दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अब बात करते हैं पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को पुलिस थाने में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के कारण रखा जाता है जबकि जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को जेल में रखा जाता है पुलिस कस्टडी तब शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जबकि जुडिशियल कस्टडी तब शुरू होती है जब न्यायाधीश आरोपी को पुलिस कस्टडी से जेल भेज देता है पुलिस कस्टडी में रखे गए आरोपी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है लेकिन जुडिशियल कस्टडी में रखे गए व्यक्ति को तब तक जेल में रखा जाता है जब तक कि उसके खिलाफ मामला अदालत में चलता है या जब तक अदालत उसे जमानत पर रिहा नहीं कर देती है पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 24 घंटे की होती है जबकि जुडिशियल कस्टडी में ऐसी कोई अवधि नहीं होती है जो जमानत पर रिहा अपराधी होते हैं वैसे मामलों में आरोपी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाता है और पुलिस कस्टडी तब तक ही रहती है जब तक कि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने पर पुलिस के पास आरोपी को हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं बचता है पुलिस कस्टडी पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत होता है जबकि जुडिशियल कस्टडी में गिरफ्तार व्यक्ति न्यायाधीश की सुरक्षा के अंतर्गत होता है पुलिस कस्टडी किसी भी अपराध जैसे हत्या लूट अपहरण धमकी चोरी इत्यादि के लिए की जाती है जबकि जुडिशियल कस्टडी को पुलिस कस्टडी वाले अपराधों के अलावा कोर्ट की अवहेलना जमानत खारिज होने जैसे केसों में लागू किया जाता है